और अपना अगला सवाल लेते हैं अब उत्तराखंड से. एक ही सेठ का सवाल है टाटा ग्लोबल पर. 500 शेयर्स हैं इनके पास, 140 के भाव पर इन्होंने यहाँ पर खरीदारी की हुई है. मिस्टर ख्याल, आपसे यहाँ पर सवाल होगा, क्या सलाह देंगे आप टाटा ग्लोबल पर? 140 का इनका परचेजिंग प्राइस है. देखिए साक्षी, ओवरऑल जो ट्रेंड इस स्टॉक में है वो फिलहाल मेंटेन कर सकते हैं होल्ड पोजीशन, और नीचे में जो इन्हें स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा वो करीबन 105 के आसपास का होगा, क्योंकि अगर ये स्टॉक उसके नीचे आ जाता है तो वापस से सेलिंग प्रेशर बन सकता है. लेकिन यहाँ से कुछ पुलबैक देखा गया, एक लो बना था 100 के आसपास, वहाँ से कुछ पुलबैक देखा गया, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट थोड़ा ऊपर आ सकता है. और फिलहाल ये होल्ड करके रखिए, 105 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा इन्हें. इसके अलावा अब जो अगला सवाल है वो है अमित बिश्नोई का उत्तर प्रदेश से. सवाल है इनका पंजाब नेशनल बैंक पर. 300 शेयर्स इनके पास, परचेजिंग प्राइस है 93.21 का. 8170 के लेवल्स पर अभी ट्रेड कर रहा है, नुकसान में है. पंकज, ये पंजाब नेशनल बैंक में क्या करें अभी? देखो, इसमें अगर इनका एक शॉर्ट टर्म नजरिया है, अगले महीने दो महीने का नजरिया है, तो मेरे को लगता है ही शुड सर्च फॉर अपॉर्चुनिटीज टू क्विट द स्टॉक. क्योंकि जैसा अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था एक्सिस बैंक के मैनेजमेंट के बारे में, उन्होंने क्वार्टर थ्री रिजल्ट्स के बाद कहा था कि मोस्ट ऑफ द पेन इज डन. स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, जो कि सबसे बड़े दिग्गज बैंक है PSU स्पेस में, उन दोनों ही मैनेजमेंट ने एक बार नहीं, दो या तीन बार दोहराया था क्वार्टर थ्री रिजल्ट्स के बाद दैट ओनली पार्ट ऑफ द पेन हैज कम इन क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर रिजल्ट्स वुड बी एज पुअर एज क्वार्टर थ्री रिजल्ट्स और मे बी दे कुड बी पुअर देन क्वार्टर थ्री रिजल्ट्स. तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए रिजर्व बैंक पॉलिसी बाहर है, मेरे को लगता है कि 86-87 अगर कभी भी PNB जाए, जो कि कल था, इससे एक बार शॉर्ट टर्म में क्विट करना चाहिए. ऑल राइट, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं. कोलकाता से नवनीत का यहाँ पर सवाल है, हिंडालको पर पूछ रहे हैं. 500 शेयर्स हैं इनके पास, 85 का इनका परचेजिंग प्राइस है. 3-4 रुपए का यहाँ पर इनको प्रॉफिट भी हो रहा है, और जिस तरीके से कुछ देर पहले दीपाली भी बता रही थी, आज मेटल स्पेस भी आज हरी निशान में ही कामकाज कर रही है. आशीष, क्या सलाह देंगे आप हिंडालको पर? अभी इनको बने रहना चाहिए या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें? देखिए साक्षी, ओवरऑल मेटल स्पेस में एक अच्छा खासा पुलबैक देखा गया है. हिंडालको ने एक लो बनाया था करीबन 60 रुपीज़ का थोड़े महीनों पहले, और उसके बाद में ये पुलबैक ऊपर में आया है. एक ध्यान खाली रखने वाली बात यह है कि 95 के आसपास एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है इस स्टॉक का, तो 95 का आंकड़ा पार करना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा. यहाँ पर अगर ये होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं, और नीचे में जो स्टॉप लॉस इन्हें लगा के रखना होगा वो 80 रुपीज़ का लगा के रखना होगा. ये स्टॉक अगर 95 का आंकड़ा पार कर जाता है तो ऊपर में मोमेंटम जनरेट हो पाएगा कुछ. जी चलिए, राय आपको दी गई है.